टर्निंग ऑन किया इसको, ठीक है। ऑन होते ही ये इसका जो है ना एक फ़ैन का एरर आ रहा है, सिस्टम एरर, सिस्टम फैन 90B, ठीक है। एंटर कंटिन्यू स्टार्टअप, ठीक है। ये 15 सेकंड के बाद जो है ना लैपटॉप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब इसका चेक करेंगे कि फ़ैन ख़राब है या बंद है, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं, ये ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये इसका चेक करेंगे फ़ैन ख़राब है या बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज भी एक नए इन्फो के साथ मैं आपके में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, पवेलियन G6 मॉडल है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि टर्निंग ऑन किया है इसको, ठीक है। ऑन होते ही ये इसका जो है ना एक फ़ैन का एरर आ रहा है, सिस्टम एरर, सिस्टम फ़ैन 90B, ठीक है। एंटर कंटिन्यू स्टार्टअप, ठीक है। ये 15 सेकंड के बाद जो है ना लैपटॉप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब इसका चेक करेंगे कि फ़ैन ख़राब है या बंद है, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं, ये ऑफ़ हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये इसका चेक करेंगे फ़ैन ख़राब है या बंद है, जो भी इसका प्रोसेस है वो चेक करते हैं इसको। तो उसके लिए इसको कम्प्लीट ओपन करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले इसकी बैटरी वगैरह उतार देंगे इसकी, और ये इसका स्क्रीन वगैरह ओपन करके, ये इसका डी कवर ओपन हो गया, ये SSD स्क्रीन निकल गई है। अब ये इसके जितने भी स्क्रीन हैं ये स्क्रीन ओपन कर लेंगे, ये दूसरे निकल गई इसके। ये इसके स्क्रीन वगैरह ओपन हो गए सारे, ठीक है। तो अब फ्रंट से इसका जो है ना कीबोर्ड वगैरह ओपन कर लेंगे। इसमें आप ये कीबोर्ड निकाल लेंगे, ठीक है। जी इसका सी कवर ओपन हो गया, ठीक है। तो ये फैन है इसका, फैन जाम हुआ है, इसके अंदर कोई चीज़ जो है ना फंसी हुई है, चेक कर रहे हैं। ये चीज़ फंसी हुई है, चलें ये पहले बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हिंजिस भी जो है ना इसका ब्रेक हुआ हुआ है, चेक कर रहे हैं। नीचे से जो इसकी फिटिंग है वो टूटी हुई है, बोर्ड पहले इसका बाहर निकाल लेंगे। इसका हिंजिस भी रिपेयर करेंगे, ठीक है। और फैन भी चेक कर लेते हैं फिर। अच्छी है, बोर्ड आ गया बाहर, ये चेक कर रही हैं जिसकी फिटिंग ब्रेक हुई है, ठीक है। पहले जिसकी फिटिंग बना लेंगे, उसके बाद फिर ये फैन चेक करें, ये इसकी फिटिंग भी टूटी हुई थी, ठीक है। नहीं जी, ये जिस जो ना थोड़े से सहत हो गए हैं, ये इनको पहले लूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कोलियाँ उतार लेंगे इसकी, साथ में फिटिंग भी बनाएंगे इसकी, ठीक है। ये फ्रेम उतर गया, अब ये फिटिंग उतार के तो इसको ज़रा लूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये इसको ज़रा लूज़ कर लेंगे, हिंजिस खोलना पड़ेगा इसके लिए। नहीं जी, हिंजिस जो है ना ये बनाए हैं अब, ये कोलियाँ जो है ना रख के तो पाउडर लगाया इसको, ठीक है। तो हिंजिस भी जो है ना वो थोड़े से लूज़ कर लिए हैं इसके, ठीक है। तो अब इसकी ज़रा फिटिंग करके, ज़रा हिंजिस को खड़े करके, तो फिर इसका अब ये बोर्ड जो है ना रख के चेक करें। वो फ़ैन तो चल गया, इसके अंदर फिटिंग ही जो है ना वो फंसी हुई थी, फ़ैन चल गया इसका। तो ये फिटिंग करके तो इसको ऑन करके चेक करते हैं अब। हेलो जी, ये कंप्लीट पैक हो गया है, ठीक है। इसको ये टर्न ऑन किया अब, ठीक है। ये ऑन हुआ है, चेक किया, अभी कोई एरर नहीं आया, डायरेक्ट विंडो के अंदर चला गया, ठीक है। तो वो फ़ैन जो है ना उसके अंदर कोई फिटिंग का कोई पुर्जा जो है ना वो टूट के आ गया था, जिसकी वजह से वो फ़ैन जो है ना ब्लॉक हो गया था, चल नहीं था रहा। अभी इसकी विंडो वगैरह रन हो रही है, ये फ़ैन से हवा भी आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये हिंजिस भी टूटा हुआ था, इसकी भी फिटिंग हमने कर दी है, बिल्कुल ओके है। अभी ये विंडो वगैरह इसकी रन हो रही है, प्रॉपर ओके हो गया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।